देखिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो जलालपुर में एकजुटता है चुनाव को लेकर के और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है, जो लोगों के अंदर एक उत्साह और प्रेम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति देखने को मिलता है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के प्रति देखने को मिलता है, तो इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने को और देश में 400 पार के नारे को पूरी तरह से साकार करने का काम। जो जलालाबाद जुटा है यहाँ पर, कितना वोट बैंक में कितना शामिल होगा? पूर्णतया शामिल होगा। आप ये देखिए, अभी रात के करीब 10 बजने जा रहे हैं, लोग यहाँ पे पूरी ताकत और मजबूती से बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से ये पूरी तरह से जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित लोग हैं और इन नीतियों के बारे में जानते हैं और आगे की नीतियां जो आ रही हैं उसके बारे में भी जानकारी लेकर के लोगों को बताने का। भैया, मेरा एक सवाल है, अंबेडकर नगर के सांसद के रूप में आपका कैरियर बड़ा सफलतम माना जाता है, सबसे सफल सांसदों की सूची में आपका नाम शुमार है, लेकिन जो यहाँ पर जातिगत और धर्मगत राजनीति पे लोग उतर आए हैं आजकल, जैसे सपा और बसपा की तरफ से नित नए आरोप लगाए जा रहे हैं जी। कल कमरहा जी ने नामांकन किया और उन्होंने सपा और भाजपा दोनों पर बरसते हुए दोनों पर हिंदू मुस्लिम राजनीति करने का आरोप लगाया और साथ में ये कहा कि जिले का मुसलमान मेरे साथ खड़ा हुआ है क्योंकि मैं बुनकर हूँ, मैंने बुनकरों की समस्याओं को कई बार उठाया है, तो इस मुद्दे से कैसे निपटेंगे आप, क्योंकि जनसमर्थन अलग चीज़ है, वोट कन्वर्जन अलग चीज़ है। देखिए, जहाँ तक रही बात पक्षियों की, पक्षी नाना प्रकार की चीज़ें कह सकते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर आप देखेंगे, हमारे अम्बेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे, यहाँ से दो दो एक्सप्रेसवे जा रहे हैं, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, दो औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना होने जा रही है, इसी क्षेत्र के अंदर 80,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना दी गई है, 7 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया गया है, 4 लाख परिवारों को शौचालय दिया गया है, ये सारा का सारा काम और देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है और किसान सम्मान निधि उपलब्ध हो रही है सभी को। निश्चित रूप से ये ज़मीनी स्तर पर लोगों के जीवन में परिवर्तन लग रहा है और ये देखने को मिलता है कि अपने क्षेत्र में इन सब जो योजनाएं गई हैं उनका असर आज हमें प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। सर, दूसरा सवाल है, लगातार वोट प्रतिशत कम हो रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, प्रचंडता बढ़ेगी, हमारा वोट परसेंटेज कम होता जाएगा, तो इस चीज़ से निपटने के लिए, क्योंकि एक संभावना जताई जाती है कि सारे वोट बैंक तो निकलते हैं लेकिन सिर्फ भाजपा का वोट बैंक अपने घर में आराम करता है जी। तो आप इस चुनौती से कैसे निपटेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन है और संगठन इस चीज़ को लेकर के पूरी तेज़ी में भी है और मेरा पूरा विश्वास है कि संगठन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकालने में सफल रहेंगे और उसी के साथ साथ अभी तो छुट्टियाँ शुरू होने जा रही हैं जी, तमाम परिवार बाहर से भी वापस आएंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बहुत तेजी से। एक सवाल और, लाभार्थी वर्ग और साइलेंट वोटर, इनकी बड़ी चर्चा की जाती है लेकिन इस बार इनका कोई रुख सामने नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जातिगत और जो भी मैंने बताया कि दुनिया भर के तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच में उनकी बातें मुखरता से रखने वाला कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो इनके बारे में क्या कहेंगे? जैसे भी यहाँ से 3 तलाक की चर्चा हुई तो मुस्लिम महिलाओं का वोट भाजपा के साथ माना जाता है और जो भी आपने लाभार्थी वर्ग की बात की, जो इतने सारे सुविधाएँ जिन लोगों को मिली हैं, उनके वोटर्स के बारे में क्या विचार हैं? देखिए, जो भी वोटर्स हैं जिनको सुविधाएँ मिली हैं, निश्चित रूप से वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी उनके मन मस्तिष्क में बस रही है और कमल निशान उनके मन मस्तिष्क में बस रहा है और जो वो चर्चा नहीं करते हैं उसका कारण ये है, क्योंकि जब भी आजकल मीडिया के सामने लोग जाते हैं वो अपने वोट की गोपनीयता को भंग भी नहीं करना चाहते। जो लाभार्थी है वो कमज़ोर व्यक्ति है, वो ये नहीं चाहता कि जो आज इतने सारे चैनल हैं उस पर कोई बोले और उसके ऊपर दबाव पड़े। लोग अपनी बातों को गोलमोल करके अपनी बातों को रखने का काम करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से पक्षियों को समझ लेना चाहिए कि वो अंतोगत्वा जहाँ लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, लोगों के जीवन बेहतर हुआ है जिन योजनाओं से, उन योजनाओं के साथ, उन योजनाओं के निर्माताओं के साथ, उन योजनाओं के निर्माताओं की पार्टी के साथ खड़े होने का काम करेंगे। सर, कुछ लोग संविधान खत्म करने के लिए चर्चा करते हैं, प्रत्याशी सपा के, देखिए 10 कह रहे हैं कि संविधान खत्म कर देंगे लोग,
ये जैसे मेरा ये मानना है कि संविधान कभी नहीं ख़त्म हो सकता, और उनको अगर ये लगता है कि संविधान ख़त्म हो जाएगा तो बताएं कैसे ख़त्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निरंतर ये कहा है कि भारत का संविधान सर्वोपरि है और भारत का संविधान हमेशा कायम रहेगा। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर द्वारा जो ये संविधान निर्मित हुआ है, इसके अंदर इससे देश संचालित होता है, इसको एक देश का एक ग्रंथ मान करके आप आगे बढ़ सकते हैं, जो हमें गाइड करने का काम करता है कि किस प्रकार से हमारे देश में राजनीति और नीतियां बनने का काम होंगी। इसको ख़त्म करने का कोई सवाल नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। देश की अखंडता जो थी, जिस पे बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि हम कश्मीर में एक अलग विधान, एक अलग झंडा नहीं देना चाहिए, एक देश में दो विधान नहीं हो सकता, आज उसको भी साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और संविधान के दायरे में जो संविधान आज पूरे देश में पहले चलता था और कश्मीर में नहीं चलता था, आज वही संविधान कश्मीर में भी लागू है, इसकी भी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो संविधान का विस्तार हो रहा है, संविधान को खंड खंड नहीं किया जा रहा है, उसका विस्तार किया जा रहा है। धन्यवाद।